जादुई गुलाब से निकला लहंगा। बहुत समय पहले की बात है, एक सुल्तान नगर नाम का राज्य था, जहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था। जो भी राजा नगर पर शासन करता था, वो अपने प्रजा की जरूरत का ध्यान रखता था और उनकी सेवा भी करता था। इस तरह राजा विक्रमचंद्र जो सुल्तान नगर के राजा थे, वो राज्य में हंसी खुशी से रह रहे थे। राज्य के सभी लोग राजा से बहुत खुश थे। राजा बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव का आदमी था। राजा विक्रमचंद्र की पत्नी का नाम सुभद्रा था। वो बहुत ही खूबसूरत रानी थी और तो और वो भी बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव की थी। रानी सुभद्रा का एक भाई था संतोष, जो हमेशा अपनी बहन को राजा के खिलाफ भड़काया करता था, ताकि वो अपनी बहन के साथ मिलकर राज्य को हड़प ले और उस पर शासन कर सके। तुम जानती हो बहना, राजा पूरे गांव की प्रजा को खुश करते रहते हैं। उन्हें तो तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं है। देखो तो सुबह से शाम तक तुमसे कुछ बात नहीं करते हैं। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप तो अपनी बहन का घर बर्बाद करना चाहते हो। आप थोड़ा अच्छी बातें करिए। राजा के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, जिस वजह से वो बहुत व्यस्त रहते हैं, परंतु वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये बस हम ही जानते हैं। अच्छा सुभद्रा, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें पता है, तुम्हारा इतना मीठा स्वर, खूबसूरत चेहरा देखकर राजा ने तुमसे विवाह किया है, परंतु तुम बिल्कुल मूर्ख हो, मूर्ख। सुभद्रा अपने भाई को बचपन से जानती थी, परंतु सुभद्रा के माता पिता युद्ध के समय खत्म हो गए थे, जिसके बाद सुभद्रा का भाई अकेला ही बचा था। सुभद्रा अपने भाई को अपने साथ ले आती है, परंतु संतोष की बातें बहुत ज्यादा चतुराई वाली थी और सुभद्रा हमेशा अपने भाई को अच्छी बातें बताती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। उसी गांव में एक सोनम नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम के माता पिता एक गरीब किसान थे, जो गांव में खेती करते थे। गांव की जमीन उपजाऊ नहीं थी, जिस वजह से खेती ज्यादा नहीं हो पाती थी। आधा अनाज सोनम के माता पिता खाने पीने के लिए रख लेते थे और बचा कुचा अनाज राजा को औने पौने दामों में बेच देते थे। क्योंकि राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता था, इसलिए वो किसानों को खेती की अच्छी कीमत दे देता था और उन्हें गोदाम में स्टोर कर लेता था, जिससे गांव में सभी किसानों का खर्चा चल जाता था। सोनम एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो अपनी माँ के कामों में उनका हाथ बटाती थी। सोनम ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली थी और उसके माता पिता उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे। पापा, आप खेत जा रहे हैं, बाहर बहुत गर्मी है, आप अपने साथ माँ को भी ले जाइए, काम जल्दी खत्म हो जाएगा, आप दोनों समय पर फिर घर आ जाना। अरे बेटा, धूप तो चलती ही रहेगी, अगर तेरी माँ मेरे साथ काम करने जाएगी तो घर कौन संभालेगा और तू घर पर अकेली रह जाएगी। अरे पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर लूँगी, आप माँ को ले जाइए और माँ आप उनकी मदद करिए, उनसे अकेले इतना सारा काम नहीं हो पाता है। सोनम अपने माता पिता को खेत पर काम करने के लिए भेज देती है और खुद घर पर बैठे बैठे घर के सारे काम कर लेती है। सोनम को घर की साज सजावट करना बहुत पसंद था। वो अक्सर चीजों को उठाकर इधर उधर करती रहती थी। सोनम को फूल भी बहुत पसंद थे, इसलिए उसने अपने घर में गुलाब का पौधा उगाया हुआ था। गुलाब के पौधे को लगाए हुए काफी समय हो गया था, परंतु उसमें कोई पौधा ही नहीं आता था। सोनम अक्सर उस पौधे को देखती थी और उसमें से फूल की कली निकलने का इंतजार करती थी। इसी तरह समय बीत रहा था और सोनम की उम्र बढ़ती जा रही थी। पैसा न इकट्ठा होने की वजह से सोनम के पिताजी राजा के महल जाते हैं और उनसे कुछ पैसे मांगते हैं। महाराज, हमारी एक विनती है आपसे। मेरी बिटिया का नाम सोनम है और वो 15 वर्ष की हो गई है। हमें उसके विवाह की बहुत चिंता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी पाई पाई जोड़कर हमने कुछ ही पैसे इकट्ठे किए हैं, पर अभी भी कुछ पैसे कम है। अगर आप हमें कुछ पैसे उधार दे देते तो हम समय पर आपके पैसे वापस लौटा देंगे और अपनी बिटिया का विवाह अच्छे से कर लेंगे। अरे रामू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक राजा को अपने प्रजा को खुश रखना उसका धर्म होता है
और तुम हमसे विनती करने आए हो? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जी महाराज, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। राजा अपने मंत्री को बुलाकर रामू को 2 लाख रुपए दिला देता है। वो पैसे लेकर रामू बहुत खुश हो जाता है। महाराज अब बहुत ही दयालु है, आज आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपकी एक एक पाई पाई लौटा दूंगा और ब्याज भी दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, तुम तो हमारे गांव के किसान हो, तुम्हारी वजह से ही हमें भोजन नसीब होता है। हम तुमसे ब्याज नहीं लेंगे, जब तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा हो जाए तो तुम हमें वापस लौटा देना। इसके बाद रामू वो पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं राजा के पास सुभद्रा का भाई संतोष भी होता है, जो राजा का दान पान देख कर संतोष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे ये राजा तो अपना 1-1 रुपए ऐसे गरीबों पर लुटा देगा तो फिर कैसे चलेगा? एक तो ये बहना भी कुछ समझती नहीं है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसा ना हो ये दयालु राजा अपने सभी प्रजा पर सब कुछ लुटा दे। संतोष अपने मन ही मन जलता भुनता रहता है। वहीं दूसरी तरफ रामू पैसे घर ले जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। देखा सोनम की अम्मा, राजा कितने दयालु हैं। उन्होंने बिना ब्याज के ही 2 लाख रुपए दे दिए हैं। अब हम अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपने पिता को ये बात करते हुए जब सोनम सुन लेती है तो उसे बुरा लगता है। अरे पिताजी, आपको राजा से पैसे उधार लेने की क्या आवश्यकता थी? आपने कर्जा लेकर गलत किया है, अब आप सारी उम्र इस कर्जे को पूरा करते रहेंगे, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपके ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। अरे बेटी ये तू क्या कह रही है, ये पैसे तो हम कुछ समय में पूरे कर देंगे, एक तू ही तो हमारी संतान है, तेरे बाद हम पैसा बचाकर क्या करेंगे, हम तेरी शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन पिताजी मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी शादी के बाद आपके ऊपर कोई बोझ रहे, इसलिए आप राजा को ये पैसे वापस कर दीजिए। देखो बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, वो हमें बहुत पसंद है, ये पैसों का लेन देन तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। रामू अपनी बेटी को लड़के से मिलवा देता है और सोनम को लड़का बहुत पसंद आ जाता है, परंतु लड़के वालों की डिमांड थी जिस वजह से रामू ने राजा से उधार लिया था। अब सोनम बस ये चाहती थी कि किसी तरह से उसके पापा का सारा कर्जा खत्म हो जाए और शादी भी ठीक से हो जाए। सोनम अपनी ये सारी बात मन में लेकर उदास बैठी रहती थी और अक्सर उसे रातों को नींद नहीं आती थी, इसलिए वो बैठे बैठे रखे हुए गुलाब के पौधे से बातें करती रहती थी। वो गुलाब का पौधा बहुत पुराना था, परंतु उस पर कोई गुलाब नहीं खिल रहा था। सोनम उस दिन बहुत ज्यादा परेशान थी और वो अपने बैठ कर रो रही होती है। तभी सोनम के रोते हुए आंसू उस गुलाब के पौधे में गिर जाते हैं और वो गुलाब के पौधे में एक गुलाब की कली खिल जाती है। सोनम उस समय उदास थी, इसलिए वो ध्यान नहीं देती है और वो अपने मन को शांत करके सो जाती है। अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो गुलाब के पौधे के पास आती है तो वो देखती है उस पौधे में बहुत ही खूबसूरत गुलाब खिला हुआ है। उसे देखकर मानो सोनम की आंखों में चमक आ जाती है। आज तक तो इस पौधे में कोई गुलाब नहीं मिला, लेकिन आज इस गुलाब को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लगता है मेरे साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। सोनम गमले में पानी डालकर अपने घर के कामों में लग जाती है और उसके माता पिता खाना खाकर खेत पर मजदूरी करने चले जाते हैं। सोनम उस गुलाब के फूल को खिला हुआ देखकर बहुत खुश होती है, परंतु वो गुलाब सब गुलाबों से अलग था, उसका आकार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। सोनम की शादी का दिन भी नजदीक आ रहा था। सोनम इसी बात से परेशान थी कि उसके पिता ने राजा से कर्जा लिया हुआ है। सोनम को ये बात अच्छी नहीं लगती है और शादी वाले दिन सोनम तैयार होकर अपने गुलाब के फूल से बातें करती है। गुलाब के फूल, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, जब से तुम इस गमले में खिले हो मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा है, परंतु आज मेरी शादी का दिन है और मैं बहुत उदास हूँ, तुम तो सबको जानते ही हो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया है, काश सब कुछ ठीक हो जाए, बस मेरी यही तमन्ना है। सोनम की ये सारी दुख भरी कहानी सुनकर गुलाब का फूल अपने जादुई शक्तियों से एक जादुई लहंगा प्रकट कर देता है और उस लहंगे से आवाज आती है, सोनम तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है,
मैं जानती हूँ कि तुम किस कारणवश उदास हो, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए इस गुलाब के फूल में से आई हूँ। मैं एक जादुई लहंगा हूँ और तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैंने तो आज तक ऐसा कोई लहंगा नहीं देखा है जो हमारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता ने जो राजा से कर्जा लिया हुआ है वो राजा को वापस कर दिया जाए और मेरी शादी धूमधाम से हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा जरूर हो सकता है। मैं तुम्हें अपने जादुई लहंगे से सोने के कुछ सिक्के देती हूँ, तुम उन सोने के सिक्के को राजा को वापस कर देना और जो पैसे तुम्हारे पिता ने लिए हैं उन पैसों से धूमधाम से शादी कर लेना, और हाँ, शादी में राजा को जरूर बुलाना। इतना कहने के बाद लहंगा चुप हो जाती है और वहाँ पर ढेर सारे सोने के सिक्के आ जाते हैं। सोनम जाकर अपने पिता को सारी बात बता देती है और रामू सोने के सिक्के ले जाकर राजा को दे देता है और राजा को अपने बेटी की शादी का निमंत्रण देता है। राजा सोनम की शादी पर सोनम के घर आते हैं और उसके माता पिता के साथ मिलकर सोनम का कन्यादान करते हैं। सोनम का कन्यादान होने के बाद सोनम को ससुराल के लिए विदा कर देते हैं। अब सोनम का घर बिल्कुल खाली हो गया था और सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए थे। राजा और रामू अपनी पत्नी के साथ अकेले अपने घर में रह गया था कि तभी अचानक राजा के ऊपर एक हमला हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी में राजा के साथ जो भी दुर्घटना हुई वो किसने की और क्यों की, ये सब हम आपको आने वाली अपनी अगली कहानी में बताएंगे। हमारी आने वाली कहानी का इंतजार करें, बहुत ही जल्द हम अगली कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद। कंचन एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी। कंचन के पिता किसान थे, वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे। बावजूद इसके कंचन के माता पिता ने कंचन की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश में लगे रहते थे। उसी गांव में श्रेया नाम की एक लड़की रहती थी। श्रेया गांव के सेठ सुखराम की बेटी थी। श्रेया और कंचन में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। कंचन जब अपनी दोस्त श्रेया के पास अच्छे और ब्रांडेड कपड़े, महंगे महंगे मेकअप देखती तो घर आकर वो भी इन सब चीजों की डिमांड अपने पिता से किया करती थी। पापा, आज श्रेया के पापा उसके लिए बहुत सुंदर गाउन लेकर आए थे। पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, आप भी मुझे एक गाउन दिला दो ना। बस इतनी सी बात, मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक प्यारा सा गाउन ले आऊंगा। अब खुश हो बेटा? सच पापा, आप बहुत ही अच्छे हो पापा, मैं अभी अपने गाउन के बारे में श्रेया को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर कंचन बाहर चली जाती है। तभी कंचन की माँ सुनीता बोलती है, आपने कुछ ज्यादा ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। अरे श्रेया तो बड़े सेठ की बेटी है, हम चाहकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है ये बात अब हमारी कंचन बेटी को भी समझनी होगी, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन पर दिन और बढ़ती जाएगी। अरे भाग्यवान, फिकर मत करो, कंचन अभी बच्ची है, वक्त आने पर वो खुद ही सब समझ जाएगी। अब इसे हम अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों को क्यों छीने। अगले दिन, अजय सुनती हो, वो जो मैंने कल 500 रुपया दिया था देना, मैं बाजार जा रहा हूँ अपनी बिटिया के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ घर में खाने को पैसे नहीं है, लेकिन इन्हें अपने शौक पूरे करने ज्यादा जरूरी है। अरे क्या हो गया, एक ही तो लाडली बेटी है हमारी, पैसों का क्या है, ये तो आता जाता रहता है, अब दो, मुझे देरी हो रही है। उसके पिता शाम को एक बहुत ही प्यारा सा गाउन लेकर कंचन को दे देते हैं। कंचन गाउन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और गाउन पहनकर श्रेया के पास जाती है। श्रेया देख मैं कैसी लग रही हूँ, ये गाउन मेरे पापा लेकर आए हैं। ठीक है, बट मेरे गाउन से ज्यादा अच्छा नहीं है, मेरा गाउन तो सुपरमार्केट का है, वो भी पूरे 10,000 रुपए का। अच्छा मैं तो भूल ही गई, ये देख मेरे पापा मेरे लिए नई साइकिल लेकर आए हैं। वाओ श्रेया, ये तो बहुत ही सुंदर है, एक बार मुझे भी चलाने देना। नहीं नहीं, मैं इसे तुम्हें चलाने नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरे लिए है, तुझे चलानी है तो तू भी अपने पापा से बोलकर साइकिल ले ले। इतना बोलकर श्रेया साइकिल चलाने लगती है। कंचन दूर से श्रेया को देखने लगती है। घर आकर कंचन उदास मन से बैठी थी,
तभी उसके पापा उससे बोलते हैं, क्या हुआ मेरी रानी बेटी को, गाउन पसंद नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है पापा, पापा मुझे एक साइकिल चाहिए, क्या आप मुझे एक साइकिल दिला दोगे? लो और मानते जाओ इसकी बात, अब घर बेचकर से साइकिल दिलाओ। अरे सुनीता शांत भी रहोगी अब तुम? इतने दिन से तो शांत ही थी मैं, लेकिन अब और नहीं। और तू सुन कंचन, बहुत हो गए तेरा लाड प्यार, अरे वो बड़े सेठ की बेटी है, करोड़ों का कारोबार है उनका, और तेरा बाप एक किसान है, उसको देखकर उसके बराबरी करना बंद कर दे, तुझे दिखाई नहीं देता हम कितनी मेहनत से दिन रात एक करके काम करते हैं, तब जाके रात को हमारे घर चूल्हा जलता है। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है कंचन बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे दूसरों को देखकर लालच मत किया करो, जो है उसी में खुश रहा करो। कंचन अपने माता पिता की बात सुनकर घर के बाहर उदास बैठ जाती है और दूर से श्रेया को साइकिल चलाते हुए देखती रहती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। कंचन श्रेया से कुछ ही दिन की छोटी थी और दोनों का बर्थडे एक ही महीने में आता है। श्रेया के माता पिता हर बार बहुत ही धूमधाम से श्रेया का बर्थडे मनाते हैं। इस बार भी श्रेया के बर्थडे का बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया गया। कंचन जब उसके घर गई, तब उसने देखा कि श्रेया के घर उसके टेबल पर एक बहुत ही बड़ा चॉकलेट केक रखा हुआ है। वो एक टक उस केक को निहारती रही। क्या हुआ, तू इतनी हैरानी से केक को क्यों देखे जा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, केक बहुत ही बढ़िया है। होगा क्यों नहीं, आखिर मेरा बर्थडे जो है, वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को नहीं दूंगी। केक कट होने के बाद ये सारा केक मैं अकेली ही खाऊंगी। चल तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दे दूंगी, आखिर तुमने इतना महंगा और इतना बड़ा केक कभी खाया भी नहीं होगा। बर्थडे खत्म हो जाने के बाद कंचन अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ दो दिन बाद मेरा भी जन्मदिन आने वाला है और मुझे भी मेरे जन्मदिन पर चॉकलेट केक ही चाहिए। माँ देखो अब मना मत करना, मैंने बहुत दिनों से आप लोगों से किसी भी चीज की कोई जिद नहीं की, तो इस बार आपको मेरी ये बात माननी ही होगी। बेटी घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए घर में ही हलवे का केक बना दूंगी, तुम उसी को काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, मैं हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी, आप कभी भी मेरी कोई बात नहीं मानती हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर कंचन घर के बाहर एक पार्क में बैठकर रोने लगती है। तभी उधर से बारबी परी गुजर रही होती है। बारबी परी कंचन को रोते हुए देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या बताऊँ बारबी परी जी, मेरी दोस्त श्रेया के जन्मदिन पर उसके माँ बाबा ने उसे बहुत ही बड़ा चॉकलेट केक दिलाया था और मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर मुझे एक छोटा सा केक भी नहीं दिला पा रही है। वो बोल रही है कि हलवे के केक को काट कर अपना जन्मदिन मना लो। आप ही बताओ परी जी, हलवे के केक से भला जन्मदिन कौन मनाता है, ऊपर से ये देख कर सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये समस्या तो है, अच्छा रोना बंद करो, तुम्हें चॉकलेट केक पसंद है ना? ये लो, ये एक जादुई चॉकलेट केक है, तुम ये केक अपने साथ अपने घर ले जाओ, ये केक कभी खत्म नहीं होगा। और हाँ, इस केक को तुम अकेले मत खाना, इसे मिल बांट कर खाना, ये केक खाकर सब तुम्हें दुआ देंगे और वो सच हो जाएगा। और हाँ याद रखना, ये केक सिर्फ तुम अपने जन्मदिन वाले दिन ही काट सकती हो, अगर तुमने गलती से भी इसे किसी और दिन काटा तो केक खाने वाले तुम्हें दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ देंगे और वो बद्दुआ भी सच हो जाएगा। ये सुनकर कंचन बारबी परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी वो केक अपने घर ले आई। केक को देखकर उसकी माँ बोली, अरे कंचन तुम्हें इतना सुंदर केक कहाँ से लेकर आ रही हो, किसने दिया तुम्हें, कहीं चोरी तो नहीं की हो, सच बताओ। नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, एक सुंदर परी ने मुझे जादुई केक दिया है, इसको खाने वाले के मुंह से जो दुआ निकलेगी वो सच हो जाएगी माँ। कंचन ने अपने जन्मदिन पर खुशी खुशी जादुई केक काटी और केक काट कर सबसे पहले अपनी माँ को खिलाई। केक खाकर उसकी माँ बोली, सदा खुश रहो मेरी बेटी और जल्द ही तुम्हें एक बहुत ही सुंदर से साइकिल भी मिल जाए। उसकी माँ के इतना कहते ही वहाँ पर चमचमाती हुई एक साइकिल प्रकट हो जाती है। ये देखकर कंचन खुशी से झूम उठती है।
वो साइकिल लेकर श्रेया के पास जाती है। श्रेया चलो साइकिल का रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। अरे कंचन तुम्हारी साइकिल तो बहुत ही अच्छी है, आखिर इतनी अच्छी और महंगे साइकिल तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हारे माँ बाबा तो बहुत गरीब है ना? अरे श्रेया ये सब तो उस जादुई केक की वजह से मुझे मिला है। अच्छा होता उस दिन तुम भी मेरे जन्मदिन में आती तो सब अपनी आँखों से देख लेती। जन्मदिन, जादुई केक, मैं कुछ समझी नहीं। अरे बुद्धू मेरे पास एक जादुई केक है, उस केक को खाकर लोग जो भी दुआएं देंगे वो सच हो जाता है। उस दिन मेरी माँ ने केक खाकर मुझे साइकिल मिलने की दुआ दी थी और मुझे ये साइकिल मिल गई। ये सुनकर श्रेया दंग रह गई और वो घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। उसकी माँ लालची औरत थी और उसके पिता एक भ्रष्ट अधिकारी थे। जादुई केक की बात सुनकर उन दोनों के मन में लालच आ गया। उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे देकर केक चुराने के लिए कहा। गुंडों ने रात को कंचन के घर चोरी करके वो जादुई केक ले जाकर श्रेया के माँ को सौंप दिया। अजी अब मैं जल्दी से इस केक को काटती हूँ, केक खाकर आप मुझे दुआ दीजिएगा कि मैं जल्दी से शहर की सबसे अमीर सेठ की पत्नी कहलाऊं। मेरे पति यानी कि आपको बिजनेस में दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की हो। श्रेया के परिवार वालों को ये नहीं पता था कि उस जादुई केक को सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही काटने से दुआ सच होती है, बाकी के दिन तो दुआ बोलने का सब उल्टा मिलता है। तभी केक कटकर श्रेया की माँ अपने पति को खिलाती है। तभी उसका पति बोलता है, तुम्हारे पति की खूब तरक्की हो और वो खूब नाम कमाए। उसके इतना बोलते ही उसके फोन का बेल बजता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? भाग्यवान सब बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। अब तक मैंने जो भी घोटाला किया वो सब पकड़ा गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और मुझे उसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। उनको जुर्माना चुकाते चुकाते उनका सब कुछ बिक गया। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए, उनके पास अब ना तो कोई काम था ना ही पैसे। श्रेया के पापा को मजबूरन अब खेतों में काम करना पड़ा। एक दिन श्रेया अपने परिवार के साथ कंचन के घर जाती है और सारी सच्चाई बताती है। हमें माफ कर दो कंचन, मेरी माँ ने लालच में आकर तुम्हारा वो जादुई केक चुरा लिया था और उस केक को काटने के बाद हम सब बर्बाद हो गए। श्रेया तुम लोगों ने मेरे जादुई केक को चुरा कर बहुत ही गलत किया। शायद तुम्हें ये नहीं पता था कि उस केक को सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही काटना होता है, दूसरे दिन कटने से दुआ का उल्टा बद्दुआ मिलता है। अब तुम्हें ये पूरा साल गरीबी में ही बिताना पड़ेगा। अब मैं अगले साल ही उस केक को बोलकर तुम्हें फिर से पहले की तरह बना सकती हूँ, तब तक तुम्हें गरीबी में ही गुजारा करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि चुराई हुई चीज से कभी फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल गोला टीवी को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियाँ लाती रहूँ।